नमस्कार दोस्तों, आप देख रूप चैनल और आज हम आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आपको भारत सरकार 60 से 80% तक मदद करेगी। और साथ में ही इस बिजनेस की खासियत ये है कि बहुत ही कम लागत में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो भारत सरकार ने दी है उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप आसानी के साथ 50,000 से 1,00,000 रुपये प्रति महीना कमा सकते हैं। इस बिजनेस से संबंधित पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं, आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए जिससे कि इस बिजनेस से संबंधित पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। दोस्तों, इस बिजनेस का नाम है नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो खास बात यह है कि नोटबुक, नोटपैड या रिकॉर्ड बुक की डिमांड हर जगह है, चाहे स्कूल, कॉलेज हो, ऑफिस हो या बिजनेस हो, हर जगह इसकी जरूरत होती है। यहां तक कि घरों में भी कई कामों में इनका इस्तेमाल होता है। नोटबुक या नोटपैड की डिमांड दिनों दिन बढ़ रही है। अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो बिजनेस में सफल होने का चांस ज़्यादा है। आप किसी भी एरिया में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हम जो बात कर रहे हैं वो नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। बात कर लेते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको रॉ मटेरियल क्या लगेगा। रॉ मटेरियल की अगर बात करें तो दिस्ता पेपर लगेगा या गत्ता की आवश्यकता होगी। तो आपको एक दिस्ता पेपर लगेगा और गत्ता की आवश्यकता होने वाली है। अगर आप उनको स्पाइरल करना चाहते हो स्पाइरल वाइंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप उनको और दूसरे कलर देना पड़ते हैं तो आपको कलर्स या डेकोरेशन के लिए भी कुछ आइटम लेने पड़ सकते हैं। मशीन क्या लगेगी और कहां से खरीदें। दोस्तों, अगर मशीन की बात करें तो पिन अप मशीन आती है, अगर आप अलग अलग मशीन लेते हैं, एज स्क्वायर मशीन आती है, कटिंग मशीन आती है, तीन मशीन अगर आप मैनुअली लेना चाहते हैं तो अलग अलग मशीन लेनी पड़ेगी। लेकिन बाजार में ऑटोमेटिक मशीन भी अवेलेबल है तो आप वो मशीन भी ले सकते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आपको क्या क्या यूटिलिटीज लगेगी। तो मशीन और रॉ मटेरियल के अलावा जो लगने वाला है वो यूटिलिटीज के अंतर्गत हम लेते हैं। तो पहला आपको स्पेस लगेगा। स्पेस इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपकी मशीन कितना स्पेस ले रही है, आपको ऑफिस के लिए कितना जगह चाहिए, आपको रॉ मटेरियल रखने के लिए कितना जगह चाहिए, आपकी नोटबुक जो बन गई है उनकी प्रोडक्ट को आपको स्टोर करने के लिए कितनी जगह चाहिए, तो उस हिसाब से आपको जगह का चुनाव करना चाहिए। पानी की जरूरत पड़ेगी, आपको मशीन चलाने के लिए पावर की जरूरत पड़ेगी, लेबर की जरूरत पड़ेगी, ये तमाम तरीके की यूटिलिटीज का आपको इंतजाम करना ही होगा। बात कर ले तो दोस्तों, इस बिजनेस की लागत क्या आएगी कि जो पेपर इसका रॉ मटेरियल है दिस्ता पेपर, उसकी कीमत लगभग 62 रुपये से 80 रुपये प्रति केजी है, और गत्ता जो कवर लगेगा उसका लगभग 1 से 3 रुपये प्रति पीस होता है। इस तरीके से इस पूरे बिजनेस में आपका लगभग 16.88 लाख रुपए खर्च होने वाला है, जिसमें आपको 60 से 80% आपको सब्सिडी भी मिलेगी, जिसके बारे में आपको जानकारी नीचे देने वाला हूं। बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आपकी कमाई कितनी होगी। सरकार ने एक एस्टिमेट तैयार किया है जिसमें प्रोडक्शन कॉस्ट और सेल के हिसाब से टर्नओवर का रेशियो तैयार किया है। एक फिक्स में अगर बात करें दोस्तों, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब 4 लाख रुपए में आपको टोटल लागत आने वाली है, और अगर इसकी टर्नओवर की बात करें तो ये 4 लाख रुपए आपको 5,59,000 रुपए महीना कमा कर देंगे। तो लगभग 1 लाख रुपए का आपको मुनाफा हो रहा है, तो आप प्रति महीने लगभग 1,00,000 से 2,00,000 रुपए कमा सकते हैं इस बिजनेस में। तो लगभग 1 लाख रुपए का मुनाफा हो रहा है। तो इस तरीके से आप देखिए दोस्तों कि आप लगभग 50,000 से 1,00,000 रुपए आसानी के साथ इस बिजनेस में कमा सकते हैं।
आपकी नोटबुक बन गई, अब इसको कहां पर बेचें? तो नोटबुक आप स्टेशनरी पर बेच सकते हैं, आपके लोकल मार्केट में कई शॉप्स पे बेच सकते हैं, ऑनलाइन बेच सकते हैं, फ्लिपकार्ट है, इंडिया मार्ट, इन पर भी काफी ज्यादा धूम है और ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से बेच रहे हैं। बात कर लेते हैं कि सब्सिडी और लोन कहां से लें। तो दोस्तों बिजनेस शुरू करने के लिए आपको अपने पास 4.23 लाख रुपए ही दिखाना जरूरी है, मतलब इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपके पास 4 लाख रुपए हैं तो आप नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल लोन जो 9 लाख रुपए है और टर्म लोन जो कि 3.65 मतलब 3.5 लाख रुपए है। कुल खर्च हमने अभी बात करी 16.88 है। अब इसके लिए आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आप किसी भी बैंक में अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा जिसमें ये डिटेल देनी होगी, नाम है, पता है, बिजनेस शुरू करने का एड्रेस है, एजुकेशन है, मौजूदा आपकी इनकम क्या है, कितना लोन चाहिए। इसमें किसी भी तरह की प्रोसेसिंग फीस या गारंटी फीस नहीं देनी होती है। लोन का अमाउंट आपको 5 साल में लौटा सकते हैं। तो ये तमाम तरीके की जानकारी है जिसकी सहायता से आप लोन भी ले सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। अब इस बिजनेस में सफल कैसे हो, किसी भी बिजनेस में सफल होने के लिए सबसे पहला जो माध्यम है वो है उसका एडवर्टाइजमेंट। और आपके बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट आप दो तरीके से कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन आपके कई माध्यम हैं, फेसबुक है, इंस्टा है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है। ऑफलाइन की बात करें तो आपको होर्डिंग, पोस्टर, न्यूज़पेपर में इश्तिहार, ये तमाम तरीके की जुगाड़ आपको लगानी होगी। दोस्तों अगर इस बिजनेस की बात करें तो इस बिजनेस की बहुत ज़्यादा डिमांड है, कम लागत है, अधिक मुनाफा है और साथ में ही आप आसानी के साथ 50,000 से 1 लाख रुपए प्रति महीना कमा सकते हैं। दोस्तों ये तो हुई नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बिजनेस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक ही हमें बताता है कि हमने वीडियो किस तरीके का बनाया है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें दोस्तों। और कल एक फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।